गोपी गीत के उस पहले श्लोक में कल हमने जो भी चर्चा की थी उसमें एक और शब्द आता है दैत दृश्यता। ये अपने आप को दैत कह रही है, दीन कह रही है कि हम दीन बन चुके हैं। कृष्ण आप थे तो हम अमीर थे, और आप जैसे ही हमसे दूर हो गए, नाराज हो गए, हम दीन हो गए, हम दैत हो गए, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी तो आप है, हमारा जीवन तो आप है, हमारे सब कुछ आप हो, आपके बगैर ये जगत सुना है, जगत फीका है। हमें तो भगवान से आगे जगत महत्वपूर्ण लगने लग जाता है, हम भगवान से भी ज्यादा इस जगत को मानने लग जाते हैं, जगत के लिए जगदीश को भूल जाते हैं। और गोपिया कह रही है जगत नहीं ये जगदीश महत्वपूर्ण है, वो है तो जीवन है, जिसके जीवन में भगवान न हो, जिसको भगवान की याद न हो, जो भगवान को याद ही न कर पाए, उसके जीने का कोई मतलब ही नहीं है। शमशान की तरह वो जीवन बन चुका है, उसने जी कर भी कोई उपयोग ही नहीं है। जिसके जीवन में सत्संग न हो, कथा न हो, भगवान का भजन न हो, न आपको कथा में रस हो, न किसी कथाकार के ऊपर रस हो, लेकिन एक बात तो है, भगवान में रस जरूर हो। आप अपने घर में बैठकर भगवान को याद करिए, न मानते हो किसी संतों में, भगवान में तो मानिए, हम भगवान का भजन जरूर करें। ये गोपिया कह रही है आप थे तो आनंद था, आपके जाते ही हम तो दीनहीन बन गई, हम दैत बन गई। हे भगवान हमें दर्शन दे दो, क्योंकि जब विरह होता है ना तब दैन्य आ जाता है। जब विरह हो तो दैन्य आ जाता है। कुछ क्षण पहले मैंने आपको एक प्रसंग याद कराया था, उस बाप का और ससुराल जा रही उस बेटी का। मैं तो बस कह रहा हूं, आपने अनुभव किया है, जब बेटी ससुराल जाती है ना, दिन भर बाप ने भोजन नहीं किया, दिन भर ही नहीं न जाने कितने दिनों से, पेट की चिंता नहीं की। आज भी सुबह से लेके किसी का अपमान न हो, कोई नाराज न हो, ध्यान देता था सबके ऊपर। और जैसे ही शादी हुई, कन्यादान हुआ, बेटी चली गई, फिर घर वाले कहते बाप को कि आपने सुबह से कुछ पाया ही नहीं, भोजन तो कर लीजिए। बाप का भोजन में मन नहीं होता, सुबह देखना किसी बेटी की विदाई हो जाए, दूसरे दिन सुबह उस वो बाप जिस तकिए पर सिर रखे सोया था, वो तकिया जरूर गीला मिलेगा। वो बाप कहता है, घर वालों से बात करता है कि अब तो रहने का मन ही नहीं है इस घर में, अब तो मन ही नहीं लगता, अब तो भोजन करने का भी मन नहीं है। बाप बोलता है, अब तो न खेती में जाने से मन लगता है, न कुछ करने को मन लगता है, क्योंकि मेरी प्रिय प्यारी जो बेटी थी वो चली गई घर से। विरह हुआ ना बेटी का, बेटी के विरह से दीन भाव, दीनता मन में निर्माण हो गई विरह से। उसी तरह यहां पर वहां उस बाप को बेटी का विरह हुआ, यहां गोपियों को कृष्ण का विरह हुआ, और उस विरह में ये गोपियां कह रही है कि हम उसी तरह दीन हो गए हैं, अब किसी में मन नहीं लगता, इसलिए वो खुद को दैत कह रही है। बाप कहता है ना बेटी के जाने के बाद, मेरा तो घर लुट गया, मेरा तो सब कुछ चला गया, मतलब हीन भाव आया मन में, दीन भाव आया, वही भाव
गोपियों के मन में आने के कारण वो खुद को दयित बोलती है कि हमारा तो लूट गया, हमारा तो सब कुछ चला गया कृष्ण के अंतर्धान होने से, इसलिए वो दयित शब्द का प्रयोग करती है। और ये जो दीनता है, अपने दोषों का दर्शन करने से, अपने दोषों का अगर अपन दर्शन करते हैं तो ये दैन्य भाव प्रकट हो जाता है। जैसे मैंने अपने मन से पूछा कि क्या मैंने किसी का खराब किया, और पता चला कि हाँ उस व्यक्ति का मैंने खराब किया है, मैंने गलत व्यवहार किया है, तो फिर मन में एक दीन भाव आएगा, दैन्य भाव आएगा कि अरे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो बड़ी भूल कर दी। जब दोष पता चलता है तो दीन भाव आता है ना। आपको जब पता चले कि आपने बगैर कारण से किसी को नुकसान किया, बगैर कारण से किसी को डांट दे दी, किसी को डांट दिया, और बाद में पता चलता है कि अरे उसकी गलती नहीं थी, तो अपना मन अपने को दोष देता है कि तूने गलत किया है। और जब अपने दोष पता चल जाते हैं तो मन में दीन दैन्य भाव प्रकट हो जाता है। इसीलिए ये दयित शब्द का प्रयोग करती है। इनको भी, इन्होंने जब अपने अंतः मन को पूछा है कि हमारे दोष क्या है, तो सामने आया कि मान का दोष आया, अहम का दोष आया। अब दोष पता चला है इन गोपियों को, और दोष पता चलने के कारण अब दीन दैन्य भाव इनके हृदय में प्रकट हुआ है, इसीलिए ये दैत शब्द का प्रयोग करती है। अब दैन्य भाव आया कि हाँ हमसे भूल हो गई। देखो भूल सबसे होती है, लेकिन उस भूल को सुधारना भी जरूरी होता है। गोपियों से भूल हुई है, लेकिन गोपिया उस भूल को याद कर रही है, स्मरण कर रही है, कौन भूल हुई हमारे से। याद करके जब पता चलता है कि इस अहम की भूल है, तो गोपिया कहती है भगवान अब माफ कर दो, अब के बाद ये अहम नहीं होगा, आपकी नाराजगी का कोई कारण बचेगा ही नहीं। भूल हो जाती है, भूल का स्वीकार करना और उस भूल को वापस न होने देना ये जरूरी होता है। भूल सबसे होती है, इसलिए ये दैत शब्द का प्रयोग करती है। और गोपिया कहती है हे कृष्ण हमारे दोषों पर ध्यान न दे, आप क्यों हमारे उन दोषों को देख रहे हो, वहां ध्यान न दो और हमें दर्शन दीजिए न प्रभु, और हमें दर्शन दो, बस हम उस चातक की तरह बस आपकी राह देख रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। इसीलिए ये जो दैन्य भाव है, ये जो दीनता है, वो इनके हृदय में प्रकट हुई है। भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि वैसे तो भगवान हम आपके काबिल ही नहीं है, हम आपको याद करें, आपका नाम इतना जो पवित्र नाम है, हम उस नाम को ले, हम आपसे जुड़े हैं, आपका सानिध्य मिला, आपकी इतनी कृपा मिली, भगवान हम इस लायक तो नहीं है, लेकिन भगवान ये तो आपका स्वभाव है और आपकी ये करुणा है कि इन दासों को, इन पापियों को आपने गले लगाया, आपने प्रेम दिया, हमारे साथ आपने ये सारी लीलाएं की, भगवान हम उस लायक तो नहीं है, लेकिन आपने हमें बहुत प्रेम दिया। एक दीन भाव इनके हृदय में प्रकट हुआ है। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ
मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरी मेहरबानी का है बोझ ही इतना, तेरी मेहरबानी से मैं उठाने के काबिल नहीं, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, उसे मैं उठाने के काबिल नहीं, आ तो गया मगर जानता हूँ, आ तो गया मगर जानता हूँ, तेरे दर पे हारने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे हारने के I'm not afraid to die.
भगवान इतना दे चुके हैं और मुझे आप बताइए क्या बाकी रखा है भगवान ने देने के लिए। लिया ही लिया है, दिया कुछ ना ही। हम तो लेते ही रहते हैं, दे क्या रहे हैं। हम कहते हैं हमने एक फूल भगवान को चढ़ाया था, फूल को बनाने वाला, फूल को आकार देने वाला, फूल में सुगंध भरने वाला भी तो वही है जिसे दिए जा रहे हो। और जिसकी जो जिसके अधिकार की जो वस्तु है उसे दे रहे हो और देते देते कह रहे हो मैं दे रहा। यह हमारा बचपना है, हमारी नादानी है भाई। आप कहते हो मैं दे रहा हूं, ये शरीर भी तो किसी का दिया हुआ है, ये शरीर भी अपना नहीं, ये किसी का दिया हुआ है। बस लिया ही लिया, दिया कुछ ना ही। हमने लिया जरूर है भगवान से, दे कुछ नहीं रहे। इसलिए सिवा दिल के टुकड़े के वो मेरे मालिक, सिवा दिल के टुकड़े के वो मेरे मालिक। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। बस अपना प्रेम, अपना दिल दे दो। गुजराती में बहुत बढ़िया एक बात बोली जाती है, देव ने दीवो धूप सुदेवो, देव ने दीवो धूप सुदेवो। अरे भाई भगवान को क्या आरती दे रहे, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वो धूप स्वरूप है। देव ने दियो शुभ धूप सुदेव, हम कौन होते हैं उसे प्रकाश देने वाले, आरती और अगरबत्ती करने वाले। देव ने दियो धूप सुदेव, वो तो स्वयं वो ही तो निर्माता है, कर्ता कर्विता वही है, उसके बगैर और उसके उसने ही ये सारा वो निर्माता है, उसे हम क्या दे सकते हैं। मेरी क्षमता है क्या मैं दू, मेरा है क्या जो मैं अपना कह सकूं और उसे दे सकूं। देव ने दियो धूप सुदेव, तो कवि ने बहुत बढ़िया बात कही, देव ने दियो धूप सुदेव इने दिल दई देव रे। भाई देना ही है तो ये दीवो और धूप क्या दे रहे हो, इन्हें दिल दे दे बुरे, इसको दिल दे दो। गोपिया भी कहती है बहुत बढ़िया भाव से, दिल दिया मैंने उस सारे को, दिल के अरमा सवरने लगे हैं, दिल दिया मैंने उस सवरे को। वो फूल नहीं दे रही,
वो तुलसी दल नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं होता दो मत, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इससे भी जरूरी है, गोपिया हम तो कहते हैं फूल दिया मैंने उस सावरे को, हम फूल देते हैं, लेकिन गोपियों ने कहा दिल दिया मैंने उस सावरे को, दिल के अरमा सबरने लगे हैं, वो दिल देती है, हृदय अर्पण कर देती है, हृदय से जुड़ जाती है भगवान के पास, इसीलिए देव ने दिवो धूपशु देव इन दिल दई देव रे, भगवान को अपना हृदय दो, भगवान को अपना समर्पण। अब समर्पण का अर्थ ये नहीं होता कि संसार छोड़ दो, अपने कर्तव्यों को छोड़ दो, अपने जिम्मेदारियों को छोड़ दो, बस जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन जिम्मेदारियों को भगवान की दी हुई नौकरी समझते हुए, उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भगवान को परमात्मा को याद रखिए। कोई परमार्थ कोई भक्ति का सूत्र हमें अपने जिम्मेदारियों से दूर नहीं ले जाता, हमें जिम्मेदारियों को छोड़ने की बात नहीं की, जो जीवन में हमें हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जरूर निभाए। देखो पहले तो भगवान ने पांच पांडवों से अधर्म का विनाश किया और बाद में पांडवों को महाभारत युद्ध होने के बाद युद्ध क्यों किया, युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि भगवान कृष्ण गए थे पांच गांव तो दे दे पांडवों को, मना कर दिया, चाहिए तो पांडवों को कह दीजिए भगवान के युद्ध करें, इसलिए तो युद्ध हुआ, पांच गांव नहीं दिए इसलिए युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद अधर्म का विनाश हुआ, कुरुवंश पूरा समाप्त हुआ, अब पांडव ही तो थे, पूरा जो राज्य था वो पांडवों को मिलने के बाद इसीलिए युद्ध था वो मिला, और बाद में भगवान कहते पांडवों को अब ये तुम सब छोड़ दो और हिमालय निकल जाओ कलयुग आने से पहले। तो भीम पूछते हैं भगवान आपने कह दिया कि कलयुग आने से पहले निकल जाओ, हिमालय में साधना करो, भगवान का भजन करो, अनुष्ठान करो, तो तब कह दिया होता जब युद्ध से पहले, तो हम युद्ध ही नहीं करते, अब युद्ध इसलिए किया कि ये राज्य मिल जाए, अब राज्य मिलने के बाद बोल रहे हो कि छोड़ दो, तो पहले बोल देते तो हम ये पाप भी नहीं करते न युद्ध करते, चल पड़ते भगवान, बस आपका इशारा हो जाता, ये भगवान के इशारे पर चलते थे इसलिए जीते हैं, हम तो ये सोच रहते हैं कि हमारे इशारे पर भगवान चले, जब बरसात का समय हो मौसम हो बरसात का सीजन चल रहा हो तो जिसके घर कोई प्रोग्राम हो शादी हो कोई रिसेप्शन हो एंगेजमेंट हो बोलते हैं भगवान कृपा करे और आज बरसात न हो, बताइए, अब हर दिन किसी के घर कोई ना कोई प्रोग्राम सब जगह चलता रहेगा, सब प्रार्थना करेंगे तो वो करेगा भी कब काम उसका, हम सोचते हमारे इशारे से भगवान चले, लेकिन पांडव जीतते इसलिए है कि वो भगवान के इशारे को समझते हैं, भगवान के इशारे से अपने जीवन को जी रहे हैं, तो भगवान इशारा कर देते हम निकल पड़ते, तब भगवान ने कहा अरे तब जाके अनुष्ठान करते, हिमालय चले जाते साधना करने तो पाप लगता, बोले क्यों, क्योंकि तब अधर्म जीवित था, आप पांचों के सामने आपके नजर के सामने आपकी जो पत्नी है द्रौपदी उसकी अब्रू ली जाती है, इतना इतना उनका मन होता है, अरे भीम और बहनों का क्या हाल होता, द्रौपदी का ये हाल हुआ, द्रौपदी की अब्रू ली गई तो और बहनों का माताओं का क्या होता इस राज्य में, इसलिए उस अधर्म का विनाश करना है अर्जुन, हे भीम आपका कर्तव्य था, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, आपका कर्तव्य है प्रजा का पालन करें, आपका कर्तव्य अधर्म का विनाश करें,
इसलिए हे पांडवों, मैंने पहले आपसे आपके कर्तव्य को पूर्ण कराया, आपको आपकी जिम्मेदारियां याद करा दी, भूल रहे थे तो भगवत गीता भी कह दी, याद कराई जिम्मेदारी, अर्जुन और सबको युद्ध कराया, अधर्म का विनाश किया, आपके क्षत्रिय धर्म का पालन मैंने आपसे करवाया, अब आपकी जिम्मेदारी आपने निभाई कि आपने इन दुष्टों का वध कर दिया, अब आप जिम्मेदारियों को निभाने के बाद भगवान का भजन करने के लिए मुक्त हो, अब कर सकते हो। समझ आई बात? हमारी जिम्मेदारियां भी, हमारा कर्तव्य भी, वो भी एक धर्म है, हमारा कर्तव्य भी। और भगवद गीता तो मैं मानता हूं कर्म प्रधान है, कर्म भी जरूरी है, हमारा कर्तव्य जरूरी है, पुरुषार्थ जरूरी है, इसलिए हम अपने कर्तव्यों को भी निभाते जाए और भगवान का भजन भी करें। तो इसीलिए भगवान की हम सब पर मेहरबानी है, ये गोपियां भगवान को कह रही है कि हम तो दयित बन गई है, हम दैन्य भाव इन गोपियों के मन में प्रकट हुआ है, क्योंकि इनको इनकी भूल याद आ गई और मन में इनके थोड़ा समझ भी आ गई कि हमारी भूल के कारण भगवान नाराज हुए हैं, इसलिए दैन्य भाव आया है। हाँ, मेरे से भूल हो गई, आप से जब भूल हो जाती है, जब पता चल जाती है भूल, तो जिस के ऊपर आपने क्रोध किया था, पता चलता है कि बगैर कारण से हुआ, तो उसके सामने जाने में भी आपका मन नहीं होता, और जाना पड़ा तो आप आंख से आंख नहीं मिला सकते, आप सीधी बात नहीं कर सकते, नहीं आंखों में आंख डालकर आप बात कर सकते हो, क्यों? दैन्य भाव आ जाता है। वैसा दैन्य भाव गोपियों के मन में आया, इसलिए दैत शब्द का प्रयोग करती है। जब व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए अपराधों को भूल जाता है, तब उसका हृदय कठोर बन जाता है। अपने अपराधों को अगर हम भूल जाते हैं तो हृदय कठोर बन जाता है, लेकिन हम अपने अपराधों को याद करते हैं, अपने दोषों को स्मरण करते हैं, करते रहते हैं, तब वही हृदय द्रवित हो जाता है। अब यहां भी हमें जवाब मिलता है, भगवान अंतर्धान क्यों हुए, कि भगवान को इनका हृदय द्रवित करना था, और हृदय द्रवित कर इनको इनके दोष याद कराने थे, क्योंकि उतनी भी कठोरता गोपियों के हृदय में न रहे, और ये कठोरता निकालने के लिए इनके हृदय को द्रवित करना जरूरी है, हृदय को द्रवित करना करने के लिए इनको इनका अपराध स्मरण कराना जरूरी है, अपराध का स्मरण होने के लिए मैंने अंतर्दान होना जरूरी है। समझ आई बात? इसलिए भगवान अंतर्धान होते कि इनका हृदय द्रवित हो। और हम अपनी भूलों को भूल जाते हैं ना, तो हम कठोर बनते जाते हैं और फिर भूल करते ही रहते हैं और हमारा चरित्र बिगड़ जाता है। देखो, जो वाल्मीकि जी बने हैं, पहले तो एक लुटेरे हुआ करते थे, क्योंकि भूल पता नहीं होती थी, इसलिए भूल पर भूल किए जा रहे थे। जब सद्गुरुदेव भगवान की मुलाकात हुई, जब नारद जी की मुलाकात होती है, तब वो भूल वो याद कराते हैं, फिर जीवन में सुधार आता है, उनके अपराध स्मरण कराते हैं, फिर द्रवित होता है हृदय। नहीं तो पहले तो अपराध पर अपराध किए जा रहे थे, क्योंकि अपराध को स्मरण नहीं कर रहे थे, अपराध करके भूल जाते थे, भूलने के कारण दूसरा और अपराध हो जाता था, इसलिए भगवान ने कहा इनको इनका अपराध स्मरण कराना चाहिए। इसलिए हमारी चर्चा यह है कि हमसे अगर भूल हो जाए तो उस भूल को स्मरण रखे कि मेरे से भूल हुई थी, उसे भूलिए मत। आप भूलोगे तो कठोर बनते जाओगे, कठोर बनने का मतलब है भगवान आपको अपने से दूर करा देगा, कठोर बनने का मतलब है भगवान से दूर हट जाओगे, इसलिए क्योंकि भगवान को कठोरता मंजूर नहीं है। भगवान
प्रेम का निर्माण करते हैं और भगवान को प्रेम मंजूर है। तो इसीलिए भगवान इनके हृदय को द्रवीद कराना चाहते थे और कहते हैं कि कृपा भई तब जानिए, कृपा भई तब जानिए जब बिचारे अपनो दोष, जब अपने दोष अपने को समझ में आ जाते हैं तो जानिए कृपा भई। जब हमें अपने दोष पता चलने लग जाते हैं, जब हम स्वीकारने लग जाते हैं कि मैं भूल, मेरे से भूल हुई है, पहले तो स्वीकार करिए। और जो अपनी भूल को स्वीकार करते हैं, जो अपने दोष जान सकता है, तो समझना ये भगवान की कृपा है। तो हम अपने दोषों को समझे जाने, क्योंकि जब हमें अपने दोष दिखाई देने लग जाते हैं तब ही यह मानना चाहिए कि हम पर भगवान की कृपा बरस रही है। जब दोष दिखाई दे, अपने, अंडरलाइन, जब दोष दिखाई दे अपने, तो समझना ये भगवान की कृपा है। और जब दोष औरों में दिखाई दे तो समझना ये अवक कृपा है। शायद संत ये कहना चाहते हैं कि हम दूसरों के दोष न देखें, हम अपने दोषों के बारे में सोचें, लेकिन हम औरों के बारे में जितनी चिंता करते हैं ना, उतनी अपने बारे में करना छोड़ देते हैं। दूसरों की बहुत चिंता होती है, हम अपनी चिंता नहीं करते। देखो वो पाप कर रहा है, देखो भाई, कबीर जी महाराज कहते हैं, जो करेन गो सो भरेन गो, तू क्यों भय उदास। जो करेगा वो भरेगा, आप क्यों उदास हो रहे हो। कबीर तेरी झोपड़ी गलकट्टन के पास, कबीर जी की झोपड़ी एक खटकी के घर के पास थी जो बकरे काटता था। एक ने पूछा, आप संत महात्मा होकर यहां ये जो बकरे कटते वहां रहते हो। कबीर जी ने कहा, जो करेन गो सो भरेन गो, कबीर क्यों भय उदास, मैं ही क्यों उदास हो जाऊं, जो करेगा वो भरेगा। जो नर जैसी करनी करता वैसे ही फल पाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, इसीलिए तो इस दुनिया का जगत सेठ कहलाता। किसी को कौड़ी कम नहीं, वो हिसाब रखता है, वो हिसाब रखता है। आप हमें, मुझे और आपको किसी की चिंता करने की, हम अपनी चिंता करें, हम अपने दोष निकाले, लेकिन हम औरों के दोष निकालने में अपने जीवन को बर्बाद देते कर देते। लोग तो, कई लोग हमने देखे, मनुष्य धर्म को भूल जाते हैं और कौवे के धर्म को प्राप्त कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं और वैसा ही जीवन जीते हैं। कई कई मनुष्यों में हमने देखा, मनुष्य धर्म दिखाई नहीं देता। आप समझते होंगे कि मनुष्य देह को मनुष्यता और इंसानियत कहा गया, नहीं, इंसानियत तो रामायण वाले उस जटायु में थी, उस गीत में थी, जो मां भगवती सीता के रक्षण करने के लिए अपने पंख कटवा देता है। आज कई कई मनुष्य शरीर आप सुन रहे हो, देख रहे हो कि जो अब्रुए लिए जा रहे हैं, क्या आप उसे मनुष्य कह सकते हो, क्या उसे इंसान कह सकते हो। ये इंसानियत, ये वृत्ति का नाम है, चाहे वो किसी गीत में आ जाए, वो इंसानियत है, वो इंसान है, वो मनुष्य स्वभाव है जिसमें परोपकार हो। इसीलिए आज लोग कौवे के धर्म को पालन करते हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि समय ज्यादा मिल रहा है, समय बहुत हो गया सबके पास, कामें कम हो गई। पहले हमारे वडिलों को काम बहुत करना पड़ता था, तो समय ही कहाँ बचता था, किसी के घर में जाके चुगली करे, किसी के दोष निकाले, कौन कौन से भगवान को मानता है, उसको नहीं मानना चाहिए, उस भगवान को माने,
ये कहां समय होता था, आज ये सारी बातें हो रही है, मालाएं कम, मंदिर जाना कम, हमारे राष्ट्र के निर्माण की बातें कम, अच्छाइयों की चर्चा कम, बस कौन कहां भूल कर रहा है, किस में कौन से दोष है, तोड़ो इनको, समाज को तोड़ो, देश को तोड़ो, संप्रदाय में सबको बांटो, आप तर्क वितर्क ही करते रहिए, आप द्वंद करते, बस इसी में समय जा रहा है। कौवा दूसरों की जख्मों पे जिया करता है। वैसे कई लोग हमने देखे, शरीर तो मनुष्य का है लेकिन औरों की जख्मों पर जीते हैं, औरों के दुखों, औरों को दुखी कर अपने जीवन को जीते हैं, तोड़ते हैं, भाई भाई को तोड़ देंगे, परिवार को तोड़ देंगे, समाज को तोड़ेंगे, ये कौवे का स्वभाव है, धर्म है। किसी की जख्मों पर हम जीते हैं, किसी को जख्म देकर जीना चाहते हैं, किसी की जख्म पर नमक छिड़कते हैं, ये इंसानियत नहीं है। सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए हम अपने दोषों को देखें, क्या मैं निर्दोष हूं, मैं खुद आत्मचिंतन करूं, प्रतिदिन जब शयन कक्ष में जाऊं, जब मैं विश्राम के लिए जाऊं रात्रि के समय में, अपने कक्ष में जब जाऊं तो सोने से पहले सोते सोते मैं 2 मिनट 5 मिनट मैं आत्मचिंतन तो करूं, क्या मैं निर्दोष हूं। भाई इस दुनिया में एक ही है बस, जो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, एक ही है जिसे हम पूर्ण कह सकते हैं, निर्दोष कह सकते हैं, निष्कलंक कह सकते हैं, वो एक ही परमात्मा है। बाकी तो मैं और आप सब दोषों के पुतले हैं, हम तो अपराधी हैं, हमें तो जैसे ही हमने पैर उठाकर रखते हैं हमसे अपराध हो जाता है, इतने हमारे जीवन में दोष हो रहे हैं। तो इसीलिए हम अपने अपने दोषों का चिंतन करें, न कि कौन कहां भूल कर रहा है, किस में कितने दोष है, क्यों भूल निकाले हमने एक दूसरे की, होगा क्या फायदा। लेकिन गोपियों के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं तो गोपियां अपनी भूलों को याद कर रही है, न कि औरों की भूलों को। कौन सी वो भूल है मेरे अंदर जो भगवान नाराज हो गए, वो अपने भूलों को याद करती है। इसलिए कभी भी भूल कर किसी की भूल मत निकालना। अगर पता चले कि ये भूल रहा है तो प्रेम से उसे इशारा कर दीजिए, लेकिन हम जिसकी भूल हो गई उसे इशारा नहीं करते, उसको वो भूल है इसकी याद दे, इसकी राह देखते हैं और भूलने के बाद दूसरे 15 लोगों को बोलते देखो वो ऐसी भूल करता है, ये गलत है। इसीलिए गोपियां अपनी भूलों को याद वहां पर कर रही है। कोई अपना, जैसे कि अपने अंदर कोई दोष न रह जाए, ये कोशिश गोपियां वहां पर कर रही है। हमें ऐसे सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि औरों में हमें बहुत दोष दिखाई देते हैं और ऐसे महसूस होता है कि बस मैं ऐसा हूं कि कभी कोई भूल नहीं करता, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है। किसी ने हमें पूछा कि महाराज जब किसी से भूल हो जाए तो कितने जल्दी माफ कर देना चाहिए। मैंने कहा जितने जल्दी तू अपने आप को माफ कर देता है। समझ आई बात, कितने जल्दी माफ कर देना चाहिए सामने वाले को, जितना जल्दी हम अपने आप को माफ कर देते हैं। देखो हमसे भूल हो गई, कितना समय लगता है आपको अपने आप को माफ करने में, कितना समय लगता है,
हम अपने आप को जितना जल्दी माफ कर देते हैं ना, उतना ही जल्दी हम औरों को माफ करना भी सीख जाए। ये गोपियों का भाव है, ये वो अपने आप का निर्माण कर रही है। भगवान को कहती है, हे प्यारे, आपने तो जो अखंड रास है, जहां हमें आनंद मिलता है, ऐसे रस की धार बरसाने वाली जो रास है, जहां रस बहता है, रस की धार बहती है, ऐसे रास की आपने है भगवान रचना की है। परंतु हम ही ऐसे अभागे थे कि उस रास के रस को पचा न सके। ये खुद को दीन बोल रही है ना दयित, कि आपने ऐसे बढ़िया रास का निर्माण किया जहां रस बह रहा हो, लेकिन हम उसको पचा नहीं सके। हमें उसका अहम आ गया, हमें उसका मान आ गया मन में, हम उसको पचा नहीं सके। कई लोग पचा नहीं सकते अपने ज्ञान को, अपने अपने सुंदरता को पचा नहीं सकते, अपनी वाणी को वो पचा नहीं सकते, अपनी कला को पचा नहीं सकते, और वही भूल हो जाती है। अपने आप का नुकसान हम स्वयं करते हैं। गोपिया कह रही है कि भगवान जो हमें धारा मिल रही थी उस रस की, हम उसे पचा नहीं सके और मान में आ गए कि हम कितने भाग्यवान है, भगवान तो हमारे ही है। मान में आ गए, अहम आया, हम पचा नहीं सके। हे भगवान, आपने तो हमारी आत्मा को आनंद में परिपूर्ण कर दिया है, आपने अपना आनंदमय स्वरूप हमारे रोम रोम में भर दिया है। हमारा रोम रोम आपके उस आनंद स्वरूप को हे प्यारे कृष्ण याद करता है। परंतु हे प्यारे, शायद हम उसके लायक नहीं थे। हम उस रस को प्राप्त करने या आपके दर्शन के लायक नहीं थे। आपने तो कृपा करके अपात्र को पात्र बनाने का प्रयास किया है। हम लायक नहीं थे इस रास के, आपके दर्शन के लायक नहीं थे, लेकिन हम अपात्र को भगवान आपने पात्र भी बनाया और इस रास में आने का अधिकार भी दिया। भगवान की माला का अधिकार भी होना चाहिए। भगवान को पत्रम पुष्पम अर्पण करने का भी अधिकार होना चाहिए। इसलिए जब कभी हमारे भूदेव जी पंडित जी जब विधि कराते हैं, तो पहले आपको अधिकार दिया जाता है, पहले भगवान की क्षमा याचना की जाती है, अधिकार बनाया जाता है, फिर आपके हाथों विधि कराई जाती है, फिर भगवान स्वीकारते हैं। हम ऐसे ही अपात्र थे, कृष्ण आपने पात्र बनाया, हमें योग्य समझा और काबिल समझा, और इस रस की धारा जो बह रही थी हम उसको प्राप्त कर पाए, परंतु हम उसको पचा नहीं सके। हे, हम इसके लिए कुपात्र सिद्ध हो गए। आपने पात्र बनाया, हम वापस कुपात्र बन गए। हमें अहम आ गया और हम वापस कुपात्र बन गए। इसलिए शायद आप हमारे बीच से अंतर्धान हो गए हो। ब्रज भक्तों को इस प्रकार अपने दोष दृष्टिगोचर हुए हैं, इसलिए उन्होंने प्रभु को दयित माने दयालु यह संबोधन किया है। इसलिए वो भगवान को दयालु कह रही है, दयित, ये दैन्य भाव उनके मन में आ रहा है, और दैन्य भाव आते ही वो भगवान को दयालु कह रही है। ठीक है, हम दीन है, आप दयालु हो, तो आप दयालु होने का आपका जो धर्म है, आप कृपा करिए और हमें दर्शन दे दीजिए। हे प्यारे भगवान, हमारी आप हमारे स्वभाव की ओर दृष्टि न करें, आप हमारे स्वभाव को न देखें, आप तो अपने आपका जो कृपामयी
करुणामयी जो स्वभाव है उसे देखिए और आपका जो धर्म है कृपा करने का उस धर्म को याद रखते हुए हम पर कृपा करिए। हम तो दोषों से भरे हुए हैं भगवान, हम तो दोष के पुतले हैं, हम तो अपराध के पुतले हैं, हमारे अंदर दोष भरे पड़े हैं, परंतु आप तो दया के सागर है ना, आप तो कृपा के सागर है, कृपा से परिपूर्ण अतः प्रभु अब तो हमें दर्शन दीजिए, अब तो हम पर कृपा करिए, अब तो हम पर दया करिए और हमें कृतार्थ करिए। गोपियां भगवान को प्रार्थना कर रही है और भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं तो और विचलित गोपियां बन रही है और हृदय की गहराई से उस परमात्मा को, उस अपने प्यारे को, अपने कृष्ण, अपने कान्हा को वो याद कर रही है। जब गोपियां गोपियों को छोड़, गोकुल को छोड़ भगवान मथुरा गए थे, बाद कथा आपने सुनी है, उद्धव जी को एक बार भेजा था। उद्धव जी जब गोकुल में जाते हैं तो उद्धव जी ने एक सवाल इन गोपियों से पूछा था। उद्धव एक सवाल पूछते हैं उन गोपियों को कि सखियों तुम्हारी इच्छा क्या है। उन गोपियों को पूछते हैं कि हे गोपियों तुम्हारी इच्छा क्या है, उनकी इच्छा वहां पर पूछते हैं उद्धव जी महाराज। तब गोपियों ने अपनी इच्छा वहां पर प्रकट की है और गोपियों ने अपनी इच्छा वहां पर प्रकट की है। देखो इच्छा हमारी भी होती है, जब हम भगवान के मंदिर जाए, चलते चलते जाए, पद यात्रा करते हुए जाए, या तो हम दक्षिणा दे, फूल चढ़ाए, जल चढ़ाए, कोई हम जो भी करते हैं तो इच्छा तो हमारी भी होती है। जब गोपियों की इच्छाओं के बारे में उद्धव जी पूछते हैं कि आपकी इच्छा क्या है वो तो बताइए सखियो, तब गोपियों ने बहुत सुंदर जवाब दिया। देखिए गोपियां क्या कहती है, उनकी इच्छा क्या है। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। गोपियों का सुंदर भाव है। जब पूछा था महाराज उद्धव ने आपकी इच्छा क्या है, तो गोपियों का जवाब सुनिए। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। कौन इच्छा बताई गोपियों ने, उद्धव जी हमारी अखिया तो हरि दर्शन की प्यासी, ये हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा तो है कब इन अखियों से हमारे कृष्ण के दर्शन हो जाए, हमारी आंख को उस कृष्ण की प्यास लगी है। उद्धव ये हमारी आंख तड़प रही है कृष्ण दर्शन की, लालसा इन नयनों को है। इसलिए बहुत सुंदर भाव गोपियों ने कहा, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को,
चाहत कमल नयन को निस्दीन रहत उदास अखिया हर दर्शन की भासी अखिया हर दर्शन की माला केसर तिलक मोतियन की माला केसर तिलक मोतियन की माला वृंदावन के भासी अखिया हर दर्शन की भासी अखिया हर दर्शन की भासी नेह लगाय त्यागी गए तृण सम नेह लगाय त्यागी गए कृष्ण सम नेह लगाए नेह लगाए त्यागी गए कृष्ण सम डारी गले गल भासी अखिया हर दर्शन की प्यासी अखिया हर दर्शन की प्यासी काहू के मन की को जानत काहू मन की को जानत लगन के मन हासी अखिया हर दर्शन की प्यासी अखिया हर दर्शन सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन सूरदास सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन तुम्हारे दरस बिन तुम्हारे दरस सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन ले हो करवट भासी अखिया हर दर
अखिया हरि दर्शन की प्यासी। जब महाराज उद्धव पूछते आपकी इच्छा क्या है, तो गोपियों ने कहा अखिया हरि दर्शन की प्यासी कि उद्धव, अरे हमारी इच्छा तो कृष्ण है, हमारी कामना कृष्ण है, हमारी भूख कृष्ण है, हमारी प्यास कृष्ण है। हमने अपने इंद्रियों को विषय रसों से हटाकर कृष्ण रस में लगा दिया है। हमारे जो चक्षु है ना, वो बस हरि दर्शन के प्यासे है, वो कृष्ण दर्शन के प्यासे है। उद्धव, बस हमारी और कोई इच्छाएं आकांक्षाएं नहीं है, बस हमें कृष्ण दर्शन चाहिए। अपनी इच्छाओं में कृष्ण दर्शन की मांग कर, इनको भगवान से भगवान ही चाहिए। बहुत ही भाव इन गोपियों का भगवान पर रहा है, ये सब कुछ बस भगवान को दे चुके हैं और ये सब कुछ भगवान को ये गोपियां मान चुकी है, क्योंकि इनको दर्शन चाहिए भगवान के। क्योंकि भक्तों को परोक्षानुभूति की नहीं प्रत्यक्षानुभूति की प्यास होती है। क्यों दर्शन चाहिए पूछने पर गोपियां कहती थी कि अरे भगवान हमें परोक्षानुभूति नहीं, हम उसमें समझौता कर सकते, हम उसमें समझौता नहीं करेंगे भगवान, हमें तो प्रत्यक्षानुभूति चाहिए। वो आपकी बातें हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन हमें प्रत्यक्षानुभूति चाहिए, हमें आप सामने चाहिए, हमें आपके दर्शन करने हैं, परोक्ष अनुभूति नहीं कि अनुभव कर लीजिए मैं हूं, नहीं, हमें प्रत्यक्ष चाहिए। गोपियों का ये आग्रह रहा है और ये हो सकता है बस हम गोपी बने, हम राधा बने, हम उस योग्य बने। प्रत्यक्षानुभूति भी होती है, कई महात्मा यहां पर भी आपको मिल सकते हैं जिनको प्रत्यक्षानुभूति हुई है, आज भी हो रही है। प्रत्यक्षानुभूति आज भी होती है और भक्त इसमें कोई समझौता नहीं करते, प्रत्यक्षानुभूति उनको हो सकती है, होती है। यही आग्रह ये गोपी यहां पर कर रही है। अगर आपके स्वरूप आनंद का दर्शन न हो, अगर इन आंखों से आपके स्वरूप को ये आंख न देख पाए हे कृष्ण, तो इन नेत्रों का फल क्या है, इन नेत्रों की जरूरत क्या है, इस नश्वर जगत को देखने के लिए इसका उपयोग करें। जो क्षणभंगुर है, अरे भगवान, इन आंखों की महिमा तो तब और बढ़ जाती है जब इन आंखों से आपके दर्शन हो जाए, क्योंकि इस राधा को पता है, इन गोपियों को पता है, भगवान ने आंख भगवान के दर्शन के लिए दी है। हम तो संसार के दर्शन करते करते ही हमें समय नहीं मिलता कि कब भगवान के दर्शन करें, उसी में जीवन को पूर्ण कर देते हैं। है आंख वो जो भगवान का दर्शन किया करे, आंख तो वो है जो आंख भगवान के दर्शन किया करती है, वो आंख पुण्यवान है, वो पवित्र है। जिस आंख से भगवान के दर्शन होते हो, गोपियां कह रही है, अगर इन आंखों से आप अगर दर्शन न दो, दर्शन न हो आपके, तो इसका होने का मतलब क्या है, कारण क्या है, क्यों हमें आपने भगवान हमें कान दे दिए, आपका गुणानुवाद सुनने के लिए आपने कान प्रदान किए हैं, और भगवान ये जो जीवा आपने दी है वो प्रभु के रस को चखने के लिए दी है। कान किस लिए दिए, कान किस लिए दिए,
झगड़ा सुनने के लिए। कहते हैं दीवार को भी कान होते हैं, हमने आज कानों को ही दीवार बना लिया है। हमें सुनने में बहुत आनंद आता है, वहां क्या चल रहा है। कान इसलिए नहीं दिए, किसी की निंदा करिए भी मत, और कोई निंदा कर रहा हो तो सुनिए भी मत। कान इसलिए नहीं दिए, कानों से तो हम